हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वनाथ गौड़। फिनोपोड यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कुछ जीएसटी के ही कुछ इम्पोर्टेंट विषय के बारे में। जी हाँ, क्योंकि बहुत से कारोबारी और बहुत से जो छोटे कारोबारी हैं या बड़े कारोबारी हैं, उन सभी के मन में एक भ्रम है। एक नहीं बल्कि हम कह सकते हैं कि कुछ भ्रम ऐसे हैं जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि जीएसटी जो है उनके लिए एक मुसीबत है। जी हाँ, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपको जीएसटी की पूरी जानकारी मिल जाती है तो फिर आपके लिए जीएसटी कुछ भी नहीं, एक आसान और बहुत ही आसान टैक्स का जो है ये पूरा प्रोसेस है। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपके यहाँ पे जो कुछ भ्रम्स यहाँ पे पब्लिक्स में जीएसटी के प्रति जो फैले हुए हैं, जीएसटी आने के बाद 1 जुलाई से, तो मैं थोड़ा उनको दूर करना चाहूंगा। तो इसमें सबसे पहला जो है, कुछ लोगों के अंदर जीएसटी के प्रति कुछ भ्रम है कि जी अगर हमारे पास प्रोविजनल आईडी है तो हमें जो है जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए वेट कर रहे हैं बिजनेस शुरू करने के लिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज जरूर बताऊंगा कि जो आपकी प्रोविजनल आईडी है वही आपका जीएसटीएन नंबर रहने वाला है, तो यहाँ पे आप जो अपने बिजनेस को आगे चालू रख सकते हैं। सेकेंड, जो सबको एक दिमाग में एक कंफ्यूजन है कि जीएसटी के आने पे जितने भी इनवाइस हैं जीएसटी से रिलेटेड वो सारे ही ऑनलाइन होंगे, यानी सब इंटरनेट पे उसकी बिलिंग की जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी बिलिंग ऑनलाइन नहीं है जीएसटी के अंदर में। सारी की सारी बिलिंग आप अपने कंप्यूटर में जो भी जीएसटी की तरफ से फॉर्मेट दिया गया है उसके अंदर जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह की इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। इंटरनेट की आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ आपको महीने के एंड में जीएसटी की रिटर्न फाइल करते समय ही इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये आपका जो सेकंड स्टेप है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो तीसरी चीज है, लोगों के अंदर जो एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन बनी हुई है कि जो लोग ऐसे आइटम्स का बिजनेस कर रहे थे जो टैक्स के दायरे से अभी तक बाहर था, और उनको ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें जो है जीएसटी में दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो मैं आपको इस विषय में भी थोड़ा सा एक जानकारी जरूर देना चाहूंगा कि आप अपने बिजनेस को आगे चालू रख सकते हो, लेकिन 30 दिनों के अंदर अंदर आप अपने जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। आपको यहाँ पे बिजनेस ऑफ करने की जरूरत नहीं है। तो आप बिजनेस को चालू रखते हुए 30 दिनों के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो फिर आपके लिए कोई भी दिक्कत रहने वाली नहीं है। और जो अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है कि बहुत से व्यापारियों के मन में ये है कि जो जीएसटी का रेट ऑफ टैक्स है वो वैट की तुलना में ज्यादा है। तो लेकिन मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट कर देता हूं, जो हमारा अभी तक का वैट था इसके अंदर एक्साइज ड्यूटी वगैरह कुछ ऐसी थी जो कि उसी के अंदर हिडन थी, जो हमें सामने नहीं दिखती थी लेकिन वो उसी में इंक्लूड होती थी। लेकिन इस बार जो है जो जीएसटी आया उसके अंदर ये सारे जो टैक्स हैं, जितने भी तरह के टैक्स लगते थे, ये सारे ही जुड़े हुए हैं। इसलिए हो सकता है कि आपको जीएसटी का रेट ऑफ टैक्स जो है वैट की तुलना में थोड़ा ज्यादा लग रहा हो, परंतु ऐसा नहीं है। जब उसका आप पूरा प्रोसेस समझेंगे तो वहां पे जो जीएसटी का जो रेट ऑफ टैक्स की जो टोटल जो कॉस्ट निकलेगी किसी आइटम के ऊपर, तो वो वैट की तुलना में कम होगी। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगली चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बहुत से लोगों के अंदर ये एक भ्रम फैला हुआ है कि जीएसटी के आने पे हमें मंथली 3 तरह की रिटर्न्स भरनी होगी। तो मैं यहाँ भी थोड़ा सी आपकी शंका को दूर करना चाहता हूँ कि जीएसटी के दायरे में आने पर हमें किसी भी तरह की महीने में 3 रिटर्न भरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही रिटर्न भरनी है। जी हाँ, GSTR 1, यानी आपको सिर्फ सेल की डिटेल यहाँ पे एंटर करनी है ऑनलाइन। लेकिन बाकी जो हमारी 2 रिटर्न हैं, यानी कि GSTR 2 और GSTR 3 जो है, वो कंप्यूटर्स ऑनलाइन पोर्टल्स पे ऑटो पॉपुलेटेड जनरेट होंगी। आपको सिर्फ अपनी यहाँ पे एक ही रिटर्न्स भरनी है। जी हाँ, फिर आप मेरी बात ध्यान दीजिएगा, आपको मंथली एक ही रिटर्न भरनी है, बाकी की 2 रिटर्न्स कंप्यूटर पे ऑनलाइन पे ऑटो पॉपुलेटेड जनरेट होंगी। तो यहाँ पे आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ साथ जो जीएसटी का जो भी रेट ऑफ स्ट्रक्चर्स है उसको समझना और बिलिंग कंसेप्ट को समझने के लिए आप लोगों को एक अच्छे अपने आईटी डिपार्टमेंट का सिस्टम्स क्रिएट करना चाहिए, और अपने ट्रेनर जिनको जीएसटी की अच्छी नॉलेज हो केवल उनकी ही ज्वाइनिंग करनी चाहिए बिलिंग पर्पस के लिए। क्योंकि यदि बिलिंग एक बार भी गलत हो गई, यानी कि उसके ऊपर कोई भी प्लेस ऑफ सप्लाई गलत मेंशन हो गई, तो फिर आपके लिए जीएसटी में जो है आगे प्रोसेस रिटर्न में दिक्कत आ सकती है। तो आप
जीएसटी को अपडेशन करने के लिए मेरी तरफ से आप कोई एक एडवाइस है कि आप अपना एक आईटी सिस्टम को जीएसटी के अनुरूप बिल्कुल अपडेट कर लें, और उसके लिए अगर जीएसटी प्रैक्टिशनर्स की भी अगर जरूरत पड़े तो आप उसकी मदद जरूर लें। सेकेंड चीज, अपने यहाँ जीएसटी से रिलेटेड ट्रेंड स्टाफ को ही आप अपने यहाँ बिलिंग पर लगाएं, ताकि आपकी बिलिंग यदि सही होगी तो आपकी रिटर्न्स भी सही फाइल से होगी और आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को ट्विटर फेसबुक पर जरूर फॉरवर्ड करते रहिए और हमारे आने वाले वीडियो भी देखते रहिए, जिससे आपको नई अपडेशन के बारे में जानकारी मिल सके। और इसके साथ साथ यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं इस विषय में, तो आप उन क्वेश्चनों को कमेंट बॉक्स में जाकर बिल्कुल टाइप कर सकते हैं और आपको इसका रिप्लाई भी मिलेगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।